Many congratulations to the Srinagar Municipal Corporation and to Praja Foundation for taking this very strong step. And now I. अचूक उपाय है फेसलेस पेपरलेस तथा कैशलेस सर्विस डिलीवरी। ये 2016 में मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा ने देश में बड़े बदलाव किए। उस समय भारत सरकार के जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इस पर अध्ययन किया और देखा करीब 3000 सर्विसेस केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की तथा अर्बन लोकल बॉडीज मिलाकर आम जनता को दी जाती और उस वक्त प्रदान की जा रही सर्विसेज का आंकड़ा बहुत ही कम था। उस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती उभर करके आई थी सरकारी अधिकारियों के कामकाज के तरीके के बारे में, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो, पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन हो, ये आवश्यक नजर आया था उस समिति को। और तब से वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि कैसे इस प्रोसेस को री इंजीनियर किया जाए। मैं आप लोगों को घटना इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि 2 दर्जन ही ई गवर्नेंस सर्विसेस से शुरुआत करके आज की तारीख में केंद्र तथा राज्यों को मिलाकर 4018 सर्विसेस और फेसलेस पेपरलेस तथा कैशलेस हो गई। एक लंबी यात्रा देश ने तय की, उसी के साथ जम्मू कश्मीर भी कदम से कदम मिलाकर चल सके, उस दिशा में पिछले कुछ दिनों में अनेक प्रयास हुए। मैं समझता हूँ उन प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा आज का दिन, जो प्रजा फाउंडेशन के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर ने अपना एमओयू साइन किया है। विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन में आप सबने देखा है, तो मुझे लगता है कि वो समय बर्बाद करना होगा। लेकिन ये सच है कि प्रशासन या शासन अगर सामान्य आदमी के लिए बेहतर व्यवस्था और समय के भीतर समाधान दे सकता है तो वही अच्छा शासन या अच्छा प्रशासन माना जाता है। और हमारे यहाँ कहावत है कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से बदलाव किया है हर क्षेत्र में, सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में भी और ट्रांसपेरेंसी के क्षेत्र में, सामान्य रूप से आप ये बात कह सकते हैं कि जहाँ मनुष्य है वही गड़बड़ी की आशंका है और जहाँ टेक्नोलॉजी है मुझे लगता है कि परफेक्शन अधिक से अधिक वहाँ आ सकता है। तो इस दिशा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मैं बधाई देता हूँ जिन 3-4 प्रमुख बातों का जिक्र प्रजा फाउंडेशन ने किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में उसके बेहतर परिणाम से नगरवासियों को मिलेंगे और फिर मुझे लगता है कि ये जो श्रीनगर में हल्की सी रोशनी आज प्रारंभ की गई है वो बड़ी ज्वाला का रूप लेगी और पूरे जम्मू कश्मीर में उसका प्रकाश सामान्य आदमी के जीवन को बदलने में मदद करेगा। अजीत प्रेम जी फाउंडेशन के बारे में बताया गया है, प्राइमरी शिक्षा को बदलने में अजीत प्रेम जी फाउंडेशन के लोग सहयोग करेंगे और इस विवरण में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता। लेकिन 2019 में देश के सामने एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तब से लेकर के अनेक प्रयास देश में भी हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा को लेकर के मैं कह सकता हूँ पिछले 1.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक प्रकार के नए प्रयत्न और नए प्रयोग हुए हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि वो बहुत बेहतर है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि काफी लंबी यात्रा अच्छी दिशा में हमने की है, चाहे वो करिकुलम बदलने का मामला हो या कई। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग के पोले, आईजी सीआरपीएफ मैम चारू सिन्हा, आईजी कश्मीर श्री विजय कुमार, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर श्री अब्दुल जब्बार, डीसी श्रीनगर श्री एजाज असद साहब, एसएसपी श्रीनगर राकेश पलवाल साहब और मेंबर्स ऑफ द प्राउड एंड हैप्पी टू बी हियर इन श्रीनगर एंड एक्साइटेड टू बी हियर इन श्रीनगर टू डू द वर्क दैट वी आर प्लानिंग टू डू विद द श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
These are very exciting times in India. We are celebrating 75 years of independence this year, and it has been, in the last 75 years, has been full of challenges for the country. We have established ourselves as a truly independent government. Commissioner Saab, Charu Sinha Ji, IGCRPF, Commissioner SMC and CEO Smart City, Athar Saab, महफिल में मौजूद साबिका मेयर श्रीनगर मेरे अजीज दोस्त और भाई सलमान अली सागर साहब, इज्जत माप कॉरपोरेटर साहिबान, विजॉय अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से, नितिन प्रजा फाउंडेशन से, मीडिया से आए मेरे अजीज दोस्त खवातीन हजरात, आज जो ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं पहले इब्तदाई तौर वहां पर जाना चाहूंगा। ऑनरेबल एलजी साहब, आज से करीब एक साल पहले सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर की आईजी साहिबा चारू सिन्हा जी के साथ एक मुलाकात के दौरान, जब शहर श्रीनगर में तालीम और सेहत के मयार को लेकर बात चली, तो मैंने कहीं बातों बातों में अपने हाई स्कूल के दिनों में एक एजुकेशनल मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल के बारे में जिक्र छेड़ दिया, जहां अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा गुजरात में तालीम के शोबे में किए गए काम आज साइन हुए एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ, एक प्रजा के साथ, प्रजा के साथ जो हमारी कोलैबोरेशन है, इश्तराक है, उससे अर्बन लोकल गवर्नेंस का आर्किटेक्चर, उसका मैार बढ़ेगा, अर्बन लोकल रिप्रेजेंटेशन का मैार बढ़ेगा, और जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ हमने आज एमओयू साइन किया है, उससे प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद इख्तियार में 74 अमेंडमेंट के बाद है, उसका मैार बढ़ेगा। पहले एज ए फर्स्ट टारगेट हम 8 मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं श्रीनगर में, और उसके आगे भी एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चलेगी, जिससे एजुकेशन सेक्टर में एक अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म श्रीनगर शहर में आएगा। जा के साथ हमारा एमओयू है, उसका एक इंटेग्रल कंपोनेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है कि लोग कैसे इन्वॉल्व हों अपनी सिटी गवर्नमेंट जो एसएमसी की है उसके साथ, वो कैसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें, वो कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करें, और वो कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ और गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े। एसएमसी इज़ ऑन इट्स वे, एसएमसी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, और एलजी साहब ने भी वो कहा कि पिछले एक साल एक डेढ़ साल में एसएमसी में जो काम हुआ है वो हिस्टोरिक है। हम बहुत सारे एरियाज़ में एक एक्सेलेंस का एग्जाम्पल बन रहे हैं पूरे मुल्क में, और एसएमसी नॉर्मली यूज टू लैग बिहाइंड, एसएमसी अब लीड कर रहा है बहुत सारे एरियाज में। हम सैनिटेशन में टॉप 20-25 में आते हैं कंट्री में, एजुकेशन में जो बेंचमार्क्स हमने सेट किए हैं वो एग्जाम्पल पूरी कंट्री में बनेगा। ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन एसएमसी कर रही है, एसएमसी ट्रूली श्रीनगर की अर्बन लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दो MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई, एक प्रजा फाउंडेशन के साथ। प्रजा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूनसिपल बॉडीज़ के साथ BMC बेंगलोर में, दिल्ली में, काफ़ी सारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पे अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। इनके साथ हमने MOU किया है, जिस MOU के तहत हम लोग कैसे यहाँ पे अर्बन जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर कर पाएँ, कैसे उनको स्ट्रेंथन करें, कैसे सिटीजन फीडबैक, सिटीजन पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करें, कैसे हम एक जो ग्रास रूट्स लेवल पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सर्विस डिलीवरी जो है उसको इम्प्रूव करें, कैसे हम लोग वो बेहतर IT सोल्यूशंस बना पाएँ जिससे सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव हो और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी एनहांस हो। तो एक ब्रॉडर इनके साथ हमने MOU किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने एक और MOU किया है अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ। रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी स्कूल श्रीनगर के हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किए हैं। अब इन स्कूल्स में बेहतर एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बने, बेहतर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग हो हमारी टीचर्स की, हमारे ZDOs की, ZRPs की, और इन स्कूल्स में भी जो पैडागॉगी है, जो टीचिंग लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर कर सके, इसके साथ हमने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ भी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ये पूरे 2-3 साल तक ही कंटिन्यूसली ये काम रहेगा, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग का हो, चाहे वो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इम्प्रूव करने का हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का हो, एक वो होलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाने का, दैट प्रोसेस, दैट इज व्हाट इज